खबर है डीडवाना से। डॉक्टर आरुषि मलिक ने लिया गौशालाओं का जायजा, किया पशु चिकित्सालयों का निरीक्षण। पशुपालन विभाग की शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक आज डीडवाना दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा अनुदानित गौशालाओं का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आ रही समस्याओं को सरलीकरण करने व व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। इस मौके पर स्थानीय डाक बंगले में अनेक लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा डॉक्टर मलिक का माला भेंट व शॉल चुनरी उड़ाकर स्वागत किया गया। पत्रकारों से डॉक्टर मलिक ने बताया कि विभाग की ओर से गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान का सरलीकरण किए जाने की प्रक्रिया जारी है ताकि गायों का संवर्धन व्यापक तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को सरकार अनुदान देती है, वे गौशालाएं लावारिस गायों को गौशाला में रखने से मना नहीं कर सकती। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि ये सही है कि सड़क दुर्घटनाओं में एक बड़ा कारण लावारिस गोवंश बनता जा रहा है, इसलिए इस बजट में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशालाएं खोलने की घोषणाएं की हैं। चमन में मैंने कुछ निरीक्षण भी की और हमारे जो गोपाल गौशाला है उसका भी निरीक्षण किया और साथ में जो ट्रस्ट के जो गौशाला संचालक हैं उसकी क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से हम पूरी जो प्रक्रिया है उसका सरलीकरण करके उसे ऑनलाइन कर सकते हैं, इस बाबत की चर्चा हुई। और जो मेन समस्या डीडवाना की पशुपालन विभाग के संदर्भ में वही है कि जो भूमि है उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है और जो हमारे हॉस्पिटल है बहुत छोटे से स्थान पर चल रहा है, तो इन सभी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे और गौशालाओं की जो समस्त अनुदान देने की प्रक्रिया है उसको सरलीकरण करने के लिए प्रयास विभाग करेंगे।